ऑरेंज एंड पॉपी सीड के केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है एंड इट्स वेरी वेरी यम्मी, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट। इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे 2.5 कप सेल्फ रेजिंग फ्लावर, 1.5 टेबलस्पून पॉपी सीड, 2 eggs रूम टेम्परेचर, 1 cup रूम टेम्परेचर मिल्क, 1/2 cup कुकिंग ऑयल, आप कोई सा भी ले लीजिए। मैंने कैनोला ऑयल इस्तेमाल किया है, आप कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने 3 अदद ऑरेंजेस लिए हैं, जिनके मैंने अच्छे से कद्दूकश कर लिए है छिलके को, और उन्हीं 3 ऑरेंजेस का जूस मैंने निकाल लिया, यहाँ पे स्ट्रक कर लिया है। दीज आर द इंग्रेडिएंट्स वी गोइंग टू नीड टू मेक पॉपी सीड एंड ऑरेंज केक। सबसे पहले आप दोनों एग अंडों को अच्छे तरीके से बीट कर लीजिए। आप इसमें मिल्क ऐड कर लीजिए। मिल्क ऐड करने के बाद आप एग्स एंड मिल्क को अच्छी तरह से बीट कर लीजिए। मिल्क और एग्स को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसमें 1/2 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर लीजिए। मिक्स इट प्रॉपरली। ऐड सम ऑरेंज जूस। ऐड 1/2 of the flour. Mix it. अच्छे से मिक्स कर लीजिए एंड ऐड कर लीजिए रेस्ट ऑफ द फ्लोर। मिक्स इट प्रॉपरली। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए, और इसका बैटर मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो इसमें मैं तकरीबन 1/2 कप मिल्क और ऐड करूंगी। आई विल ऐड पॉपी सीड, ऑरेंज पील, एंड 1 कप शुगर। सॉरी गाइज, आई फॉरगॉट टू मेंशन बिफोर, इसमें 1 कप शुगर भी जाएगा। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। इसको मिक्स करने के लिए हमें किसी भी ब्लेंडर या किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, जस्ट विद दिस यू कैन मिक्स प्रॉपरली। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। इसको साइड पे रख दीजिए। दिस इज रेडी। नाउ आप किसी भी तरह का कोई भी टिन जो आपके पास अवेलेबल है ले लें, मेरे पास ये है, तो आई एम गोइंग टू ग्रीस दिस। इस बटर, कोई भी मार्जरीन बटर आप ले लीजिए, उसको अच्छी तरीके से ग्रीस कर लें टिन को, ताकि इसके साथ केक स्टिक ना करे। इसको मैंने अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया है इसे बटर के साथ। अब ये जो मिक्सचर मैंने बनाया है, इसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, इसके अंदर डाल दूँगी। मैं डाल दूंगी सारा मिक्सचर, इसमें मैंने डाल दिया है, और ये तकरीबन इस तरीके से तकरीबन 1/2 इसका ये फुल हो गया है। और अब मैं इसको ओवन में रख रही हूँ। ओवन को मैंने ऑन कर दिया था, 15 मिनट्स हो गए हैं तकरीबन। इसको मैं इसके टॉप शेल्फ पे रख दूंगी। टॉप रेक पे इसको रख दूंगी। इसको मैंने 35 मिनट्स के लिए गैस मार्क 200 पे रखा है, एंड दिस इज द फाइनल लुक।
ये केक की फाइनल लुक है एज यू कैन सी. डोंट फॉरगेट एंड लाइक, लीव अ कॉमेंट बिलो इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय.